खबर आगरा जनपद से, जहां कार्य केयर संस्था की ओर से तृतीय सुभाष चंद्र गुप्ता स्मृति सम्मान समारोह ताजनगरी होटल ताज कन्वेंशन सेंटर पर आयोजित हुआ। एक पहल संस्था के सहयोग से 5 श्रेणियों में शहर की 22 शख्सियतों को पद्मश्री डॉक्टर दया किशोर हाजरा ने सुभाष चंद्र गुप्ता मेमोरियल अवार्ड 2024 से अलंकृत किया। विशेष सम्मान के रूप में शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के पिता अधिवक्ता बंसंत गुप्ता और एथलीट अनामिका चौहान को राष्ट्रीय गौरव का सम्मान से नवाजा गया। कम्युनिटी चैंपियंस कैटेगरी में डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, डॉक्टर रेणुका डंग, डॉक्टर सुरभि गुप्ता, कांता माहेश्वरी और अनुष्का सिन्हा को सम्मानित किया गया। एजुकेशन एक्सीलेंस कैटेगरी में पुनीत वशिष्ठ और प्रियंका अग्रवाल को अवार्ड दिया गया। आउटस्टैंडिंग यूथ इन बिजनेस एंड सोशल वेलफेयर का सम्मान शब्द मिश्रा, प्रशांत जैन, गौरव गुजराल, अक्षत अग्रवाल, नितिन सरीन को मिला। सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस लीडरशिप अवार्ड का ताज संतोष शर्मा, सुशील कुमार अग्रवाल, दीपक पोतानी, अनुराग गुप्ता और शिल्पा रेड्डी के नाम रहा। आउटस्टैंडिंग एनजीओ की श्रेणी में शिव नारंग फाउंडेशन, रोटरी क्लब आगरा, सफायर लायंस क्लब आगरा प्रयास और रोजर फाउंडेशन को सुभाष चंद्र गुप्ता स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया। इससे पहले मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर डी के हाजरा, सीडीओ प्रतिभा सिंह और पूर्व ब्रिगेडियर मनोज शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। अध्यक्षता कार केयर संस्था के संस्थापक स्वप्निल अग्रवाल ने की। अतिथियों का स्वागत एक पहल संस्था के महासचिव मनीष राय ने की। संचालन डॉक्टर इभा गर्ग और कुणाल गुप्ता ने किया। धन्यवाद दीपिका अग्रवाल ने दिया। इस अवसर पर सीए गौरव बंसल, सीए आलोक अग्रवाल, सीए मोहन कुकरेजा, अंकित खंडेलवाल, धीरज अरोरा, बरखा राय, अश्लेष मित्तल, मानस राय आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम विवेक गोरख है और मैं दयालबाग आगरा क्षेत्र से हूँ और आजकल मैं न्यूफोल्ड डिजिटल बेंगलोर में काम करता हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम बताएं? ये आज ये लोग एक अवार्ड फंक्शन है जहाँ ये सारे लोगों ने जो भी लोग न्यू पहल को जो डोनेशंस वगैरह या फिर सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए है और उसके लिए मैं और मेरी कंपनी की एक एचआर डायरेक्टर है तो हम दोनों बेंगलोर से आए हैं इस फंक्शन को अटेंड करने के। कितने लोगों को आजकल अवार्ड दिया जा रहा है, कितने लोगों को सम्मानित किया? ये मेरे ख्याल से 11 या 12 लोगों का को सम्मानित कर रहे हैं लोग। वो एग्जैक्ट आई मेरे पास नंबर तो नहीं है बिकॉज मैं खुद मतलब फंक्शन अटेंड करने आया हूँ तो जो ऑर्गेनाइजर है उनके पास शायद होगा। सो मैं तो जस्ट फंक्शन अटेंड करने आया हूँ न्यूफोल्ड डिजिटल की तरफ। ये मैं इस संस्था को तो मैं जानता हूँ जब मैं शायद 9th या 10th में पढ़ता था। जो इनके फाउंडर है उनके फादर थे मिस्टर बलवंत राय, सो ही वाज वो मेरे टीचर्स थे एंड तब से मैं जानता हूँ। लेकिन मैं जुड़ा अभी 3 या 4 साल से ही हूँ एंड आई वाज जस्ट मैं इनको जरा हेल्प करने की कोशिश कर रहा था तो लकीली मालिक की दया से मेरी कंपनी के थ्रू मैं कुछ मदद कर पाया थ्रू मेरे एचआर। जी, मेरा नाम शिल्पा रेड्डी है और मैं न्यूफोल्ड डिजिटल कंपनी से यहाँ पे आई हूँ। हमारी कंपनी एक पहल के साथ एसोसिएटेड है और हम फंडिंग करते हैं बच्चों के यू नो चौमुखी विकास के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। आई थिंक एक पहल तो ऑलमोस्ट इंडिया के काफी सारे राज्यों में अपना फैलाव कर चुके हैं क्योंकि बच्चों की जरूरतें तो चारों तरफ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगरा के बच्चों को जरूरत है, भारत देश में हर जगह, छोटे गांव हो या बड़ा शहर हो, हर जगह आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन पर के विकास पे ध्यान देने के लिए हमको ऐसी संस्थाओं की जरूरत है और एक पहल ऐसी संस्था है। आई थिंक ये बच्चों के चौमुखी विकास के लिए काम करती है। एक स्पेसिफिक एरिया या एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, वो उनके अच्छे भोजन के लिए काम करती है। तो मींस एक अच्छा, हम बोलते हैं कि अच्छा दिमाग तभी होता है जब आपका शरीर अच्छा हो, राइट? और आपके अगर शरीर को अच्छा रखना है तो आपके पास में न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, राइट? तो आई थिंक एक पहल फूड के डायरेक्शन में अपना कंसिस्टेंटली बहुत मतलब योगदान देती है। उसके अलावा उनके हेल्थ के लिए तो वो फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स आके बच्चों के शारीरिक विकास के लिए और उनके जो भी रोग और समस्याएं उनका सुधार करते हैं। तो वो डेफिनेटली उनका
उस संस्था का, उस शहर का, उस पूरे देश का नाम आपके लेके जाती है। मैं संतोष शर्मा, आगरा शहर का एक व्यापारी हूँ और मेरा काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है जी। ये मनीष राय वो उनके अन्य साथियों के द्वारा स्थापित एक पहल एक संस्था के द्वारा जो है अवार्ड सेरेमनी जो है किया जा रहा है। मनीष राय के द्वारा एक बहुत ही अनूठा कार्य जो शहर के अंदर किया जाता है जो है एक पहल के द्वारा भिन्न भिन्न बस्तियों से गरीब बच्चों को लेकर जो है उनकी फ्री एजुकेशन हुआ, उनको सारे बुक्स और उनकी ड्रेस, ये सारा काम जो मनीष जी के द्वारा किया जाता है जो एक बहुत ही अनूठा कार्य है। मनीष जी द्वारा शहर के अलग अलग तरह के जो क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाएं हुआ, अलग अलग तरह के व्यक्ति जैसे जो है व्यापार से संबंधित हुआ, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो इन्होंने कोई बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उनको जोड़ करके ऐसे 22 लोगों को आज मनीष जी के द्वारा अवार्ड दिए जाएंगे जो है एक पहल के द्वारा। ये मनीष जी का बहुत ही अनूठा कार्य है शहर के।